एक आश्रम था, वहाँ साधु था। जब भी बैठता तो एक बिल्ली परेशान करने आ जाती। बिल्ली आती छट जाती, साधु तपस्या में बैठता छट जाती। तो अब नियम बन गया, जब भी महाराज ध्यान में बैठे पहले इसको बांध दो। हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले इतना बड़ा मैनिफेस्टो देती है, देती है कि नहीं देती है? लागू ही तो नहीं होता, देते सब हैं। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, बस तुम एक बार ये कर दो, फिर हम क्या क्या नहीं करेंगे वो हम तुम्हें बता देंगे। लागू नहीं होता। सब लोग मानते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, लागू नहीं होता। भोजन में प्लेट वन लेनी चाहिए, लागू नहीं होता। सुबह की शुरुआत हमें अच्छे फूड से करनी चाहिए, पहला भोजन चाय कॉफी नहीं लेना चाहिए, पानी नारियल पानी लौकी का पानी लेना चाहिए, लेकिन लागू नहीं होता। लागू करो, लागू करो, नियम से लागू करो, परिवर्तन लागू करो। अब देखो भाई कहां कहां परिवर्तन होगा। हर परंपरा के भीतर विज्ञान और धर्म होता है, परंपरा खुद धर्म नहीं होती, खुद विज्ञान नहीं होती। समय के साथ पैकिंग सड़ जाती है। हेलो, पूरे भारत में 365 दिन में एक दिन परंपरा है, बासा हुआ भोजन करो। उसे बासुड़ा बोलते हैं, उसे शीतलाष्टमी बोलते हैं, उसे शीतलाष्टमी के साथ जोड़ा गया, उसे चीजों के साथ स्पिरिचुअल किया गया, ये सब पैकिंग है। फिर माल क्या है, इस रेखा में जिसमें भारत उस दिन आता है, उस तिथि को जिस दिन भारत में ये तिथि आती है, जिस रेखा में भारत पृथ्वी पे खुद आता है, उस दिन मनुष्य, भारत का मनुष्य अपने वात पित्त और कफ को कंप्लीटली बैलेंस कर सकता है, संतुलन कर सकता है, अगर पेट में गर्मी नहीं जाए तो। लेकिन माल अलग, पैकिंग अलग, इंसानों को नफरत पैकिंग से हो जाती है, अंदर का माल खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में आपने कई बार देखा होगा बच्चे बीमार होते रहते हैं, अपन बीमार होते रहते हैं, कई बार दवाइयां असर नहीं करती और चला गया ये बूटाटी और लखवे को ठीक करा के आ गया। बोलो भाई, सुना है कि नहीं सुना? और ये कुछ भी नहीं हो रहा, बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और दादी ने और नानी ने तुरंत उसका नजर उतारी, कार्यक्रम से भाग रहा है। होता है ना कभी कभी कि मतलब जब बच्चे के कुछ हो जाता है तो दादी नानी या जो भी अपने मम्मी होती है वो फिर नज़र उतारते हैं, अगर कुछ भी होता है और उससे असर होता भी है। और रियल में ये बात सही है जो हर्षवर्धन सर बोल रहे हैं, वो सही बात है। चलो आगे सुनते हैं क्या बोल रहे हैं सर। बताओ, इस वैज्ञानिक युग में भी ये हम आंखों से होता हुआ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लेकिन हमने उसे सड़ा दिया, हमने उसे अंधविश्वास कह दिया। अरे पैकिंग अंधविश्वास है भाई, माल अंधविश्वास नहीं है। हैं, इसमें पैकिंग अलग है, माल अलग है। शरीर के बाहर 9 इंच तक आपके शरीर का ओरा भी एक सूक्ष्म शरीर है। आपके शरीर के बाहर 9 इंच तक आपका सूक्ष्म शरीर का ओरा होता है। तो हमारा जो बॉडी होता है उस बॉडी के लगभग थोड़े डिस्टेंस पर हमारा एक ओरा होता है, जिससे हम बोलते हैं एक एनर्जी, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, जो हमारी बॉडी है ये, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारी सोल होती है, हमारी आत्मा होती है। तो सर उसी के लिए बोल रहे हैं कि जब हमारा कॉन्शियसनेस होती है, हमारा ओरा होता है, वो हमारी बॉडी के बाहर तक होता है। चलो आगे सुनते हैं। और सारी नेगेटिव एनर्जी और सारी फोर्सेज यहाँ अटैक करती है और ये आपको तकलीफ देता है। तो 5 स्नान से शुद्धि होती है भाई, लेकिन हमें अभी हम तक एक ही स्नान पहुँचा है, वो स्नान है जल स्नान। मड स्नान कहाँ जाएगा, मिट्टी स्नान कहाँ जाएगा, आकाश स्नान कहाँ जाएगा, वायु स्नान कहाँ जाएगा? मिलकर बने हो 5 चीजों से, तो 5ों से ही शुद्धि होगी। मैं बताता हूं कौन कौन से। 70% शरीर में जल है, इसलिए हर बार जल से नहाते हैं और रिफ्रेश हो जाते हैं, अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन जाओ प्राकृतिक चिकित्सालय में और मिट्टी का स्नान होगा, उसे मड स्नान बोला जाता है। बोलो, सुना है कि नहीं सुना? मिट्टी का लेप, मिट्टी स्नान, यह है मिट्टी से मिट्टी को मिलाना, वो एक्टिवेट करता है अंदर की पृथ्वी को, वो मिट्टी है। जब आप कहीं पहाड़ों पे चले जाते हो और वहां हवा आती है, दुनिया का ढीले से ढीला मरे से मरा आदमी भी हवा को देखकर ये करता है कि नहीं करता है? ये है वायु स्नान। वायु स्नान, कूलर में शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? वो शांति मतलब जो भीतर है उसकी प्यास बुझना, वायु की, वायु ने प्यास बुझाई। जब आप कोरोना में अंदर पैक हो गए थे तो सिर्फ एक स्नान की इच्छा थी, साड़ो बारे जावा दो। वो जो बारे जावा दो क्या था, आकाश स्नान, खुले में रहना चाहता हूं मैं, साला इसमें भागना चाहता हूं। बोलो, करते थे कि नहीं करते थे? उस बाहर जाने को बोला जाता है आकाश स्नान। आप वॉक करते हो, घूमते हो बाहर, वो बॉडी करती है आकाश स्नान, और हमें दिखता ही नहीं कि परंपराएं अलग है, अंदर की माल अलग है। अब इसका आंसर एक ही बचता है, अग्नि स्नान। मेरे सैकड़ों प्रोग्रामों के बाद शरीर में कुछ ऐसी तकलीफ आती जो मेरे को कोई लेना देना ही नहीं, फिर मेरे को समझ में आया अग्नि स्नान।
आप कुर्सी पे बैठ जाओ, अग्नि ले लो पर्याप्त मात्रा में और आप अपने शरीर के ओरा के चारों तरफ घुमा लो, और कोई जादू करने की जरूरत नहीं है। अग्नि वही काम करेगी जो पानी करता है, अग्नि स्नान इज नजर उतारना। अब इसको कितने रूपों में बदल दो, वो बाहर की पैकिंग है, पैकिंग अलग माल अलग। अब बोलो कोई भी परंपरा बोलो, मैं आंसर देगा। परंपरा के भीतर माल होता है। एक आसन था, वहां साधु था, जब भी बैठता तो एक बिल्ली परेशान करने आ जाती। बिल्ली आती छड़ जाती, साधु तपस्या में बैठा छड़ जाती। तो नियम बन गया, जब भी महाराज ध्यान में बैठे पहले इसको बांध दो। यही सही था उपाय, बिल्ली को बांध दो। काफी समय चला गया, हर बार ध्यान में बैठते उससे पहले बिल्ली बांधते, बैठते बिल्ली बांधते। एक दिन साधु भी बदल गए और बिल्ली भी मर गई, नए साधु आ गए। तो सारे शिष्यों ने बोला, अरे सुनो सड़ो आज महाराज ध्यान करेंगे, बिल्ली तो है नहीं, बिल्ली लाओ। अरे सुनो बिल्ली लाओ रे, ओए आज शाम को ध्यान करेंगे तो क्या बांधेंगे। ये यही है ना कि एक चीज को जैसे फॉलो करते आ रहे हैं, वो कोई चीज के लिए थी, वो कारण से थी, अब बिना कारण उसको फॉलो करते जा रहे हैं। चलो आगे और सुनते देखिए परंपरा। अब वो हर बार बिल्ली मरती, नई बिल्ली लाते। अरे मूर्खो, बिल्ली तो इसलिए बांधी जाती थी कि थी, लेकिन साले समझे नहीं। अरे कि भाई अब जब नहीं है तो अब बांधने की क्या जरूरत है। यह है पैकिंग, ऐसे बन जाती है, लेकिन भीतर माल होता है।